सुनिए सब सुनिए, सुल्तान शाह जुहैद एक बड़े नेक और बहादुर सुल्तान थे। हम सुल्तान की कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। आइए आज मिलकर कसम खाते हैं कि सुल्तान की मौत का बदला 39 चोरों से हम जरूर लेंगे। अपने वालिद को खोने का दर्द जानता हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे सर पे से किसी ने आसमान खींच लिया। अपने वालिद को खोने के बाद जिंदगी जीने की वजह ढूंढना मुश्किल हो जाती, लेकिन क्योंकि हम अपने वालिदैन की परछाई हैं तो जिंदगी जीने की वजह बनती उनकी रोशनी को आगे तक लेकर जाना, उनके लिए दुआ में हाथ उठाना। सुल्तान शाह जुहैद पूरी काबुल के आवाम के वालिद थे और अपने वालिद की दुआ के लिए हम सबका एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी। तो आइए आज हम सब मिलके अपने वालिद के लिए दुआ मांगते हैं। या अल्लाह सुल्तान की मगफिरत फरमाए, आमीन। उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान बनाए, आमीन। उनकी खैरियत फरमाए, आमीन। अपनी बारगाह में उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। इस जमात खाने में आए तमाम लोग उनके शाहे करम की दुआएं उनको जरूर लगे। अल्लाह आपकी रूह को सुकून बख्शे। बाबा वाह, फरेब करना कोई आपसे सीखे, हुनर है आप में फरेबियत का। ठेकेदारी की बजाय अगर आप फरेब सिखाना शुरू करते तो खुदा कसम दिनार ही दिनार में तोले जाते। ये हमारे सुल्तान की शान में रखी गई दुआ है, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये सब? दुआ का इंतजाम नहीं तो ही नहीं। सुल्तान की मौत को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना उनकी बेकदरी है। अली बाबा जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं। इस दुआ के इंतजाम के पीछे भी सिर्फ इनका मतलब ही है। ये दुआ का इंतजाम इन्होंने सुल्तान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए रखा। इस खुदगर्ज इंसान पर अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। सब लोग जाइए अपने अपने घर। इसाफत को भी अभी आना था, शहजादी मिली नहीं मुसीबत मिल गई। ये अल्लाह मिलवा दे शहजादी से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।